शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी। अरे कहीं मिल ही नहीं रहे। अर्चना मैम आपने देखा है? अरे यार तुम्हें कप्पू की पड़ी है, मैंने खाना ऑर्डर किया वो डिलीवरी वाला लाइन नहीं ना है। आई एम वेटिंग फॉर हिम। अरे आपको खाने की पड़ी है? हमारा मेन बंदा नहीं मिल रहा यहाँ पर। बिंदु मुझे लगता है दामाजी तेरी वजह से ही भागे हैं। तू थोड़ी सी और सुंदर पैदा नहीं हो सकती थी? हाँ देखो जैसा कैमरा होगा वैसे ही फोटो निकलेगा। अरे तुम खुद थोड़ी सुंदर नहीं हो सकती थी? अच्छा मैं सुंदर ना होती नौ नौ बच्चे कैसे पैदा होते? एक बात बताओ ये कप्पू शर्मा की आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे मैं टेंशन ना लूंगी तो कौन लेगा? घर में एक तो वही कमाने वाला बंदा है ना भैया, बाकी हम सब तो बैठ के खाने वाले हैं, है? मेरे नौ नौ बच्चों को कौन पाल पोस के बड़ा करेगा? ना 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 पाल पोस के अगर वो ऐसे ही बड़े होने वाले हैं तो रहने दो। भी कुछ मत कहिए, हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। ये सच जीत गई, ये ज्यादा बुरी है। अभी ना आपके ऊपर कूद के आपका क्षेत्रफल बिगाड़ देंगे। अब कहिए। एक सेकंड लड़ना बंद करो यार, शो शुरू होने का वक्त हो रहा है, शो कौन चलाएगा? इतना सब बात शर्मा जी नहीं है तो क्या हुआ, हम शो चला देंगे। शो मैं चलाऊंगा, शो कोई भी चलाएगा पीछे मैं बैठूंगा। एक सेकंड, यहाँ शो चलाने की बात हो रही है स्कूटर की नहीं। उफ, इंटरव्यू कौन लेगा? इंटरव्यू मैं लूंगा। यस इंटरव्यू तू ले लेगा लेकिन तेरे को देगा कौन? सही बात है। शट अप। अर्चना मैम क्या कर रहे हैं? अरे एक मिनट एक मिनट, वो डिलीवरी वाला आने वाला है खाना लेकर, तुम्हें कुछ मंगवाना है? मेरी 30 रोटियां भी लिख लो अर्चना जी। 30 रोटियां? मैं 30 रोटियां ही मंगा रही हूँ। मैंने सुना है अर्चना जी ने तो 100 ऑर्डर करी दिखे हैं। अरे उठना मत, वो नीचे पतीला गिर जाएगा। खाना किसने ऑर्डर किया है तुम लोगों में से? शर्मा जी एक सेकंड, आप खाना डिलीवरी करना शुरू कर दिया, मतलब बाहर भी काम पकड़ लिया आपने? तुम लोग भी पकड़ो, मेरी फिल्म आ रही है, ये सब नहीं करूंगा मैं अभी। आप पकड़ो तुम लोग भी। देखो कप्पू फिल्म आ रही है तो लगेगी सुपर हिट टॉकी। पहले अपनी टॉकी में पर्दा लगवा, दादे की धोती में फिल्में चलाते हो तुम लोग। अच्छा सुनो मेरी फिल्म आ रही है, मैं खुशी में तुम सबके लिए टिकटें लेके आया हूँ। वैसे ना आपसे बिल्कुल भी उम्मीद था नहीं कि आप हमारे लिए फिल्म का टिकट लाएंगे। फिल्म का टिकट नहीं बस का टिकट लाओ, निकलो यहाँ से। चलो 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 तुम भी निकलो यहाँ से। सुनो मेरी बात, मेरी फिल्म की डायरेक्टर मेरी को एक्टर आने वाली यहाँ पे, मैं निकलो कोई भी दिखना नहीं चाहिए, मैं फिल्म देख के आऊंगा। अरे नहीं आना नहीं, हम सब लोग ना इसके पीछे छिप जाते हैं, कोई नहीं दिखेगा। ऐसा धोएंगे बिना डिटर्जेंट का झाग छोड़ोगे तुम? हाय बड़े, एक मिनट बहुत भूख लग रहा है, डब्बा खोल ले खाना खा रहा है। आओ चलो खोलो। हेलो नमस्ते, नमस्ते, हाय हाय हाय, हाउ आर यू? हेलो, लव यू गाइस। वाह हाय अब्दुल, एक मिनट इधर आ, इधर आ, बाहर निकालो अब्दुल, वेलकम ब्रो। Thank you so much. What are you doing in this box? Yeah. I'm so many times tried to come your show. Nobody allowed me. Oh. After I think another set. Oh. Yeah, bhai chalak bro. Thank you. Itne log hamare show pe aa jate, kisi ke bhi ghagre mein baith ke aa jate tum. Hello. Hi. Hi. You sing? Huh? I also gana gata. I also singing. Yeah, listen Kumar Sanu? Yes. Udit Narayan? Yes. Phir nahi mera maza aana.
happy Shahrukh? Yes. You like? No. I teach you. Wow! Abdul, hi. I'm Bindu, couple's wife. Sometime. All the time. Not all the time. Many, many years. Oh, you have wife, bro? Yeah. Why? I can't have wife? You have two wives, not one, bro. You very chalak, bro. What chalak? Abdu, you're so funny. Would you like to eat something? I make very good mughlai. Yeah. Mughlai bahut acha banati. Mughlai? Uske ekdam se baad uglai. Very bad. Take a minute. Abdu, you like burger, no? Yes, I love burger. You know, even I love burger. I love burger, you love burger. Hamare khayalat, hamare kitne milte julte hain. Why don't you marry me? If I make marriage with you, you eating me. Thank you so much. Thank you. Abdu, tell me one thing. You're an internet sensation. You know, so many girls are after you. So how do you feel when they hug you? How are you feeling, bro? First time Deepika hugging you. I'm also feeling same. You're very naughty, Abdu. Abdu, you are very chalak, bro. Your dialogue is very famous in India. You are very chalak, bro. What do you think? Who is the most chalak person in India? Archana ji. How? She is Pitu. Not Pitu. He's Siddhu. Sorry. Abdu, you are a rock star, bro. Thank you so much for coming. Love you. Thank you so much. Love you, bro. Thank you so much. Bindu, I love you. Love you. Can I take Bindu also with me? Oh, he wants Bindu to take Bindu. You want Bindu? What? With me. In back going. Tell me, Abdu. Bindu, I love you. Oh, I love you. If Bindu will go with you, what will you do? I'm singing, dancing. Wow. That's it. Kuch sikho, Shahana. I'm very chalak, bro. Bahut chalak. I know. Same you, bro. I love you, bro. Love you too. Chalo, phatafat niklo yahan se. Main leke ja rahi hoon. Mere mehmaan aane. Haan, main leke ja rahi hoon. Mummy. Acha. Kitna chalak hai, chota sa ye. Bag mein ghus ke aa gaya. Arshana ji, ab bari hai. Haan. आज के हमारे असली गेस्ट को यहाँ पे बुलाने की फिल्म जुगाटो से जुगाटो की डायरेक्टर और मेरी को स्टार उनको यहाँ पे एक, 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 एक। देखो तेरी फिल्म आ रही है हाँ। कभी तो हीरो वाली फीलिंग ले क्या खुद ही इंटरव्यू लेगा अपनी इधर बैठ के उधर बैठ के खुद ही इंटरव्यू करे किसी बड़े आदमी को ढूंढ हाँ। बड़े आदमी को कहाँ से ढूंढे बड़े आदमी को एक काम कर ऐसे सामने देख फिर राइट मार तुझे मिलेगा तू ये पजामे में इंटरव्यू लेगा जा किसी की दुआएं ले यार देख कपड़े तो तेरे भी गेस्ट वाले नहीं है तो मैं अपने करैक्टर में हूं तो मैं भी अपने करैक्टर में हूं एक काम कर दे हाँ। तुम भी कपड़े बदल के आओ मैं भी कपड़े बदल के आता हूं ये कर लेगा इंटरव्यू एक मिनट मैं कर लूंगा इंटरव्यू अगर इंटरव्यू कर गया ठीक है नहीं तो नाश्ता कर लेना बाहर जाके ठीक है मैं आता हूँ सी यू गाइस आता हूँ सी यू गाइस अर्चना जी मैं तैयार हूँ आज मैं भी देख रही हूँ और मैं सोचू सारी तेरी मुरादें पूरी हो गई आज वाह तो शो शुरू करें हाँ करो शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं फिल्म जुगाटो से आज के गेस्ट जोरदार तालियों के बीच में प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड वेरी हैंडसम द कॉमेडी किंग माय फ्रेंड मिस्टर कपिल शर्मा बेहतरीन एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी एंड फिल्म के डायरेक्टर वेरी टैलेंटेड नंदिता धार
बैठ जाइए प्लीज प्लीज कृपया थैंक यू अरे बस करो यार बस बस यहाँ पर डायरेक्टर की बात नहीं बात शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू मैं कहना चाहती थी जब भी कोई बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री में आता है और मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे तो मैं यहाँ से नहीं मैं वहाँ से जाकर यहाँ मिलती हूँ ना आकर हाउ स्वीट मैम लव यू तो इसे तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ आई लव यू टू मैम थैंक यू आई सॉ यू ऑन टीवी या हमें भी थोड़ा प्यार बांटती आई वॉच यू एवरी एपिसोड क्या बात है यू आर सो फनी ऑन टीवी आई सॉ योर शो You just try to be funny on me only, बस। Come on, you TV people. अच्छा, एक बात आपने गौर की है कि कपिल के लिए और उसका नाड़ा ठीक कर तेरे कोट का क्या है? होस्ट बनना है मेरे शो का जी ठीक कर पीछे बात नहीं खुलना तेरा पेटी कोट ना खुल जाए पीछे ठीक कर ले उसको ठीक कर ले पहले राम से कोई अपने शो क्या हो गया देख क्यों पहनते ऐसी चीजें जो नहीं पहननी आती हो गए ठीक थैंक यू मैम चेन देखो कैसी पहननी है चेने खींचने वाला आदमी शो को होस्ट कर रहा है देखिए मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि कपिल के लिए इतना बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन इतनी बड़ी तालियां कभी नहीं बजी मतलब इतने एपिसोड हो गए इसको करते हुए तो हर बार इंट्रोडक्शन मेरे से दिलवाया करता बोला था उनको कि मेरी एंट्री है तालियां बजाना मेरे लोग हैं मेरी फिल्म की प्रमोशन में तालियां नहीं बजाएंगे तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी एंट्री पे बजा रहे हैं सही बात है ये मैम जैसे हजारों लोग लाखों की भीड़ में ऑडिशन देके कोई एक सिलेक्ट होता है वैसे ही ये मेरा दोस्त है सीधा आया कोई ऑडिशन नहीं प्योर नेपोटिज्म मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि नंदिता मैम ने भी इसका ऑडिशन ही लिया था डायरेक्ट फिल्म में सिलेक्शन नेपोटिज्म नेपोटिज्म हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे नेपोटिज्म का मेरे बुआ जी की लड़की थोड़ी ना उनको मेरा काम अच्छा लगा तो तुम भी मेरे बुआ जी के लड़के नहीं हो तुम्हें भी कॉलेज से मेरा काम अच्छा लगता है यस कोई वेलकम करो हमारा हम आपके शो पे आए हाँ जी आपके शो पे आए एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया थैंक यू मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है तुम बताओ कैसी लगी इंट्रो ब्रो जो मैंने दी थी वेरी हैंडसम वेरी टैलेंटेड ठीक था मेरा दोस्त ये क्या होता दोस्त आई एम अ फिल्म स्टार मैन कम ऑन प्लीज हाँ सीरियसली लिया करो इनको मैम तो फिल्म स्टारों के दोस्त नहीं होते उनके क्या सिर्फ चमचे होते हैं ज्यादातर इनके लग रहा है बहुत सारे दोस्त हैं सच में आपको कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके हमारा क्या होता है इनके बोल दा कपिल शर्मा शो में आके कैसा लग रहा है हाँ पर ये आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि आपके शो में आप खुद गेस्ट बन के आए आपको कैसा लग रहा है मेरा ना मेरा बड़ा मन था जब नंदिता मैम आएंगी शाहना आएंगी मैं इनसे बातें करूंगा पर मेरा वो भी सपना मेरे से छीन लिया ये होस्ट बन के बैठ गया बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कोई टेंशन नहीं आज क्या करना शो में आराम करूंगा एंजॉय करूंगा आज तेरे को पता चलेगा बाहर बैठ के बातें करते करता क्या है शो में चार बातें करता है गेस्ट को भेज देता है आप प्लीज विराजमान होइए सीट तो होएंगे ही हमें तो तेरे कहने की जरूरत आइए मैम आप कहाँ बैठना चाहेंगी मैम जहाँ कहाँ पे जहाँ आपका मन हो बस वो कुर्सी नहीं छोड़ती उसमें एक्टर्स यहाँ बैठते हैं जी जो एक्स्ट्राज होते हैं वो यहाँ बैठते हैं नहीं नहीं मैं बैठता हूँ वहाँ पे हम आज एक्स्ट्रा हो गए आपके लिए मैंने टुकड़े देखे थे ना शायद मिरर में जोगा उल्टा कुछ देखा होगा चलो जहाँ जहाँ हमारी कुर्सी है पास में वहीं बैठ जाते जी आज मैं खुद की हिरण के साथ बैठूंगा आज मैं किसी की हिरण तो आपने मुंह देखो कैसे बड़ा युगांडा का शाहरुख खान ये करना जरूरी है ये पाउट करती लड़कियां भाई एक मिनट मेरी बात सुनो हीरो फिल्म के या हीरो की तरह रहो अभी भी तुम्हारे अंदर से कपू शर्मा निकल नहीं रहा बिहेव देखो इतनी खूबसूरत हीरोइन बिठाई है आपके साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है हम लोगों ने फिल्म की है मेरे साथ ही बैठे कि तुम्हारे साथ बैठे यार प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा इंटरव्यू है इंटरव्यू दो लो नहीं या प्लीज या हाँ तो मेरा बड़ा मन था मेरे को कोई पूछे आपकी फिल्म कब आ रही है सो यू नो इन दिस मूवी आई वर्क वेरी हार्ड So when I was trying to, you know, be in the character and so many things. I have come with a fake accent, जो आपको मैं आज सुनाने वाला हूँ. आइए बैठना ठाकुर राजा. यार सॉरी मेरा ना कभी आपको पता मैं ये स्टेज पे मैं 24 घंटे बोलता रहता हूँ. तो
आदत आप मुझे बीच-बीच में याद दिलाती रहना कि मेरी फिल्म आ रही है। बैठ के इधर सवाल करो, उधर जाके जवाब दो। मैं चला जाता हूँ। डबल रोल कर लो आप। नहीं नहीं चलिए आप पूछिए। जी हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। कम से कम ये बात मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था, तुम्हारे नहीं। वो क्यों बोलेंगे, उन्होंने देखा ही पहली बार है। वो क्यों बोलेंगी? मैम इन्होंने 3000 एपिसोड कर चुके हैं टेलीविजन पर। 3000 वाओ माय गॉड। तीसरी फिल्म है ये, तीसरी फिल्म है आपकी ये। बड़े बड़े फिल्म फेयर होस्ट कर चुके हैं और उसके बाद कभी सोचा था कि तुम्हारी फिल्म के लिए इंटरव्यू मैं लूंगा? ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए। हाँ। तुमने कभी सोचा था? वेरी बैड क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लीज। तुम्हें पता है एक्चुअली नंदिता मैम हमारा शो कभी नहीं देखती हैं। हैं? हाँ। नहीं आप थोड़ा थोड़ा देखती हूँ टुकड़े, मैंने बताया वो अब देखना शुरू हो गई क्योंकि हमने साथ में काम किया। ओ मुझे लगा था मैं आया हूँ शो इसलिए आप देख रही हैं। ओ गुड जॉब। इनको खुश करना जरूरी है आज क्योंकि ये होस्ट है, पता नहीं कुछ गलत। नहीं जरूरी नहीं है, हम एडिट में ये सोफा खाली करा देंगे वीएफएक्स में। सिर्फ ऑडियो आएगा कि कोई बंदा पूछ रहा है और हम जवाब दे रहे हैं। सोचो मैं कितना महंगा आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए वीएफएक्स यूज होगा। इसकी प्रॉब्लम है, इसने कुछ ना कुछ बोलना है। Let's ignore him. मैं बता रहा था कि नंदिता मैम ने फिल्म फेयर में देखा था मैं और शाहरुख भाई होस्ट कर रहे थे। हाँ। नहीं आप और करण जौहर। देखो तुम्हें तो ये भी नहीं पता। जो रोज ही करता रहता है उसको कहाँ याद रहता है। सही बात है। तो नंदिता मैम ने वहाँ पे देखा था और फिर इनको लगा कि अब ये खुद बताएंगे अपनी तारीफ क्या करूं। उसे तारीफ करना अच्छा भी नहीं लगता इसलिए मैं कर देती हूं। नहीं नहीं ये बहुत करता है अपनी तारीफ। ये खुद बहुत करता है। वो तुम देख रही हैं बट फिर भी एक अलग बात होती है ना। डायरेक्टर बोले कि अरे मैंने उनको देखा और मुझे लगा कि कितने नेचुरल और एकदम सही में लगा था। वैसे ये मुझे ऐसे ओवर एक्टिंग करके नहीं बोलना चाहिए, सही में लगा कि बहुत ही नेचुरल और इस सहजता से। और इन्होंने इनका जो आम आदमी के साथ कनेक्ट, अभी आम आदमी तो रहे नहीं लेकिन फिर भी जब वो ऐसे बोलते हैं आम आदमी की जो बातें बोलते हैं उनके अंदाज में बोलते हैं सबको लगता है कि हाँ ये स्कूटर चला के जा रहे होंगे। एक उसमें कुछ गैग था जिसमें पेट्रोल तो हमें सिर्फ 200 रुपए का मिलता है, ये ऐसी चीजें सब बोलते रहते और लोग ऐसे ऐसे करते रहते कि हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो वो वाली बात तो है इनमें। पर नहीं मैम सच है ये, मतलब मैंने कभी भी सड़क पे किसी को भी इसको कपिल जी करके नहीं बुलाते देखा। ओए कपिल। हमने खुद देखा ना शूटिंग में, बच्चे से लेके 80 साल 90 साल आप कोई भी उम्र के किसी भी तरह के लोग। मैम मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र जी के बाद किसी पंजाबी का आम पब्लिक से इतना बड़ा कनेक्ट हुआ तो वो कपिल ही है। वाओ सच्ची बात सही है, प्यार है लोगों का। ये तो जितने भी दर्शक इस समय में देख रहे हैं, नंदिता मैम ने मुझे मैसेज किया ना तो मुझे नहीं पता है कि कौन सी फिल्म है, क्या कहानी है, मेरा क्या रोल है। मैं 50% तो वहीं पे मान गया था क्योंकि इनका नाम नंदिता दास, मतलब हमारे कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर और फाइनेस्ट एक्टर भी। तो आधा तो मैं वहीं पे मान गया था। फिर मैंने इनसे पूछा मैम आपने ये रोल मुझे क्यों ऑफर किया? इन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि मेरी बेइज्जती थी। कहती देखो ये फिल्म के लिए अगर शाहरुख खान द ग्लोबल स्टार भी मुझे हाँ करें उनको भी नहीं मैं लूंगी क्योंकि आप ना बड़ा आपका आम जैसा चेहरा है, आपका मुंह बड़ा कॉमन है। कहती मुझे समझ में नहीं आया क्या एक्ट करना। नाइस थैंक यू। तो वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि क्या बोलते थे कि तुम बहुत ही अनकॉमनली, एक और कुछ वर्ड था अनकन्वेंशनली कन्वेंशनल, मतलब ऐसा नहीं क्या था, अब ये काट दीजिएगा सारा बीच का टाट क्या था आता क्योंकि मैं वो वर्ड याद करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं नहीं हम बताएंगे कि इतने पढ़े लिखे लोगों की भी इंग्लिश प्रॉब्लम होती है। ये तो उम्र की वजह से है। मैं वैसे मत बताइए नहीं लग रही। मैं देखिए पहन के आई हूँ ताकि मैं थोड़ी सी मतलब लगूं। Come on baby, you're looking so stunning. ओहो baby. ये जानबूझ के ऐसा बोलती आ रही अब तो उम्र होगी ताकि हमारे घर में क्यों मुझे नंदिता बुलाओ, नंदिता मैडम बाहर जाके थोड़ी बहुत एक आध बार टोरंटो बुसान में उनको लगा अच्छा नहीं लग रहा मैडम मैं ज्यादा शूट तो नंदू पे आ जाएंगे। आ जाने दीजिए। नहीं पर उन्होंने उन डायरेक्टर ने बोला था कि आप जैसे
एक आम एक्सेप्शनल होके भी एक जिसे ऑर्डिनरी लगते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑर्डिनरी, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. क्या बात है. कि मलयाली भी लग सकती हो, बंगाली भी लग सकती हो, इधर की उधर की, मतलब जैसे होता है ना आम चेहरा, तो जैसे उन्होंने मुझे मेरे लिए बोला कि बात सही है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स में बिल्कुल ढल जाएंगे. आई थिंक कपिल और मैं बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं. हाँ. लेकिन मिलने के बाद पता चला कि ये दुनिया इतनी अलग नहीं, नहीं है. वाह क्या बात. नमस्ते. नमस्ते. हेलो नंदिता मैम. आप नमस्ते वाली नहीं लग रही इसके लिए. हाय. ओह माय गॉड. हाय शहाना. हाय कपू. हेलो डियर. हाउ आर यू. आई एम वेरी. आई सॉ यू ऑन टीवी. ओह रियली. या आई नो यू बीन सीइंग मी पास्ट 10 इयर्स. क्या बनके आई है तू बिंदु. क्या बनके मतलब, अरे मेरे पति की फिल्म रिलीज हो रही है तो थोड़ा तो फ्लॉन्ट करूंगी गाइस. Twinkle Khanna, Gauri Khan. I'm also now a celebrity wife. You know? But I am BB number one right now. Oh! Yeah. For 2 hours, 10 years. बड़ा मजा आ रहा है मेरे को. 10 years. मजा 2 hours में ज़्यादा आता है. Oh. Celebrity wife, Mrs. Bindu Sharma. एक काम करो, सेलिब्रिटी तो तुम बन गई हो. सेलिब्रिटी में नाम नहीं सूट कर रहा बिंदु, इसको भी चेंज करो. सूट तो तुम भी नहीं कर रहे हो इस सोफे को. आ, ये बात होती है. ओह, छा गई. नंदिता मैम जी, सीरियसली आपने, मैंने ट्रेलर देखा, इतना प्यारा लगा बिकॉज यू हैव चोजन सच अ रिलेटेबल टॉपिक. इतना अच्छा लगा मुझे देख के ट्रेलर. एंड शहाना, यू आर सच अ फैबुलस एक्टर. आई एडोर यू. थैंक यू. थैंक यू. अ ब्यूटीफुल. तो कपिल शर्मा के लिए कुछ नहीं बोलोगी. मैं अब कप्पू के लिए क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं मैं. बट नंदिता मैम पता है ये आज भी ना नहा के गीला तौलिया बेड पे छोड़ देता है. रियली? वो आपके पिताजी को ढकने के लिए छोड़ा मैंने. वो बेड पे अनसेंसर्ड अवस्था में पड़े हुए थे तो मैं डाल के आया उनके ऊपर. कप्पू तुम्हारी फिल्म आ गई, अब तो पीछा छोड़ो मेरे बाप आपका. तुम्हें जब पता ही था कि मेरी फिल्म आ रही, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती. क्योंकि माय फिल्म इज इंटरनेशनल, यू आर माय डोमेस्टिक वाइफ. Oh my God, so hot. My fan. Oh, my juice. Okay. My chata. Chata hai. Mummy, mummy, mummy. ये सब क्या हो रहा है? क्या है? What is this? अरे बिंदु, अपने दामाद जी की फिल्म आ रही है. सुनो, तुम लोग वैनिटी में जाओ और वहाँ से सारे फ्रूट्स निकाल के घर पहुँचा दो. लेकिन मैडम उधर तो फ्रूट्स रहे नहीं. फ्रूट्स नहीं है? नहीं. ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, उधर एक फ्रूट वाला बैठा है, उससे फ्रूट तय कर लो. कैसे भाव लगाए भैया फ्रूट्स? ये सो कैसे? हेलो, मैं होस्ट हूँ. मेरे दामाद जी क्या फिल्म में बिजी हो गए, देखो मार्केट में कैसे कैसे होस्ट सूख आए हैं. अरे जाओ, अब ऐसा करो फ्रूट्स फ्रूट्स कैंसिल करो. तुम जाके जल्दी मेरे लिए नींबू पानी तैयार करो. इसको देख के ना मेरा जी मूड ऑफ हो गया. जाओ जल्दी निकलो. ओके मैडम. ओके मैडम. इतनी उल्टी आई. और बीजी को ओवर एक्टिंग कम करो. चलो ठीक है. ओ नमस्ते नंदिता जी. नमस्ते. नमस्ते सुहाना जी. हाय कपू जी. एक मिनट, कपू कपू क्या लगा रखा है? गेस्ट हैं आज वो. कपू शर्मा बोलो. हेलो, गेस्ट होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो फैमिली मेंबर ही हैं. और सुनो, नंदिता जी ने ये फिल्म मेरे ऊपर ही बनाई है. आपके ऊपर ही बनाई है? वो डिलीवरी बॉय की कहानी है. जी, हेलो, मैंने भी 9-9 बच्चे डिलीवर करे हैं. डिलीवरी बॉय बता. मम्मी चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ. वैसे एक्चुअली नंदिता मैम, मेरे एक सवाल था. जी, जी. कि आप जब बीवी के रोल के लिए देख रही थी तो आपने मुझे क्यों नहीं कंसिडर किया? आई मीन आपने तो हमारी केमिस्ट्री देखी होगी. उन्होंने देखी थी केमिस्ट्री, तभी तो लिया नहीं. देख बिंदु, मैं तेरी माँ हूँ लेकिन सच कहना मेरा फर्ज है. देख, बुरा मत मानना, गुलाब जल और घासलेट में फर्क होता है. छा गई आप.
वो क्या है नंदिता जी, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? वो इसलिए कि आपने शहाना जी को बीवी बनाया। जी, लेकिन सास के रोल के लिए आप मुझे भी तो बुला सकते थे। आप बहुत ज्यादा ग्लैमरस हैं एक्चुअली। नहीं नहीं, मेरी लीपा पोती है मैडम। मम्मी तुम हो मेरी माँ, लेकिन मैं भी एक सच बात बताऊँ। हाँ प्लीज। आइसक्रीम और काले खट्टे में ना बहुत फर्क होता है। वाह बिंदु वाह, पति देव की एक फिल्म क्या आ रही है, तू तो माँ को जवाब भी देने लगी पलट के। हाय हाय, भूल गई वो दिन जब इतनी सी थी और मैंने तुझे गोद में खिलाया था। अरे सब लोग बच्चों को गोद में खिलाते हैं, उंगलियों पे कौन खिलाता है। मिस्टर वनडे होस्ट, माँ और बेटी के बीच में मत बोलो तुम। अरे बिंदु उसकी कोई गलती नहीं है, वो पीला सोफा देख रही है ना तू, अरे उसमें जो भी कोई बैठता है वो दो लोगों के बीच में उंगली जरूर करता है। वैसे दामाद जी, अगर आपके ससुर जी आज यहाँ होते ना तो वो बहुत खुश होते। क्यों? अरे उन्होंने जिस घोड़े पे दाव लगाया था ना, आज वो चल निकला है। एक बात बोलूं? हाँ। वो चल कब से रहा है? हाँ। अब तक तो दौड़ना शुरू कर दिया होता अगर ये बोझ उसके पीछे ना डलता होता। देखो दिस इज नॉट फेयर, ओके बिहेव योरसेल्फ, मेरे मम्मी पापा को बोझ मत बोलो। बिंदु अरे तुझे हर बात क्लियर करनी जरूरी है क्या? उसने हमारा नाम गा लिया था। ये और तुम ना एक तो प्लीज बिहेव करना सीखो तुम। अब कल को हम प्रीमियर के लिए जाएंगे, तुम ऐसे नहीं बिंदु फोटो करा दे, ये बिंदु फोटो करा दे, नहीं यू हैव टू बी क्लासी, थोड़ा बिहेव तो करना सीखो। ये क्या बात है? बिंदु मुझे मत सिखा, मैंने सीख लिया है। सारे सेलिब्रिटी आपस में एक दूसरे को सूंघते हैं। हा? क्या सूंघते? हाँ मैंने देखा है ऐसे। मम्मी वो सूंघते नहीं है, वो इट्स अ टाइप ऑफ किसिंग, एयर किस। किस किस करते हैं? तो बिंदु कल ही प्रीमियर रख ले। और सुन गोविंदा जी को जरूर बुलाना, ही इज माय फेवरेट। ये तो कोई हमारे विगाटो के आगे। मंजू जी कौन है? मंजू जी कुछ देना है तो मैं हूँ, कुछ लेना है तो ये। मैडम खाने के ऑर्डर है। अरे मैं ही मंजू शर्मा हूँ, रख रख भैया रख। एक सेकंड। मम्मी इतना सारा खाना कौन मंगवाता है? अरे अब हमारे दामाद जी की फिल्म आ रही है, इतना तो ऑर्डर कर ही सकते हैं। मैडम पैसे। पैसे? अरे बेटा मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ, हाँ मुझसे तो पैसे लेगा, तुझे शर्म ना आएगी? खाने के पैसे। खाने के पैसे? बेटा तू मेरी पोते की उम्र का है, जवान हट्टा कट्टा है, कमा के खा। मम्मी मम्मी ये जो इतना सारा खाना तुमने ऑर्डर किया है अपने लिए, इसके पैसे देने हैं। अच्छा तो भैया ऐसा है, ये स्टाफ है हमारे दामाद जी की फिल्म आ रही है। मैडम सर की तो फिल्म आ रही है, लेकिन आपको तो शर्म भी नहीं आ रही है। अरे यार मैडम ये हमारे पैसे निकालिए, 8,500 रुपए। हाय रब्बा। नंदिता जी, जी ये 8,500 के हिसाब से मैं इसे कितनी सेल्फी दे दूं? कितनी सेल्फी? सेल्फी सेल्फी मतलब? अरे मतलब क्या, मैंने जुगेटो का टेलर देखा है, उसमें हर सेल्फी पर 10 रुपए मिलते हैं डिलीवरी बॉय को। हाँ दे दीजिए। तो 8,500 के हिसाब से कितनी सेल्फी देनी है हिसाब लगा के बता दो आप मुझे। 850। आपका जितना बड़ा दिल हो उतनी सेल्फी दे दीजिए। दिल की भैया भैया एक सेकंड। मम्मी तुम ना ये बेवकूफ वाली बातें प्लीज बंद करो। भैया तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ और तुम्हारा प्रीमियर कैंसिल। चलो अंदर। चलो। अच्छा नमस्ते नंदिता जी। नंदिता मैम आप कई सालों से फिल्में बना रही हैं और ट्रेलर हमने देखा कमाल का है, अलग तरह की फिल्म नजर आती है, तो अब कपिल को कास्ट करने का कारण क्या था? जैसे आप वेट कर रही थी कि इसकी शादी हो जाए, परेशान हो जाए, घर गृहस्थी में उलझ जाए, तो फिर इससे सीरियस रोल कराऊंगी। मैं अनफॉर्चुनेटली गिन्नी से मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं वो नहीं कहूंगी। इन दोनों की जोड़ी तो इतनी अच्छी है कि मैं बार बार यूं यूं करने का मन करता है मुझे। और तब मुझे ना एक भरोसा था मैम, जब तो नंदिता मैम के बारे में पता चला, क्योंकि इतनी कमाल की एक्टर है खुद, मैं तो इनको तब से जानता हूँ जब इनकी एज एन एक्टर में आपको देखा था फायर, फिर 1947 द अर्थ, उसमें जब आमिर खान आपके साथ धोखा करता था मेरे को बड़ा गुस्सा आया था।
मैं दिल करता जाकर खींच लूं पजामा उसका, क्योंकि इतना मतलब इतनी कमाल की एक्टर थी. फिर मुझे पता चला कि दो लोग ऐसे हैं मेरे साथ कि आपको इतना प्रोटेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि खुद बड़ी अच्छी एक्टर है तो आप चाह के भी ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते, ये करने नहीं देंगी. और साथ में आपकी को एक्टर शहाना जैसी एक्टर हो, इतनी नेचुरल, मतलब पहले दिन से ये लड़की उस करेक्टर में थी. मतलब ये होटल से ही अपनी साड़ी में आती थी उसी करेक्टर में. वो तो आज जब मैंने देखा ना उल्लाला, ये वही है. पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने तो फ्लर्ट ही करना भूल गया. वो दबी कुचली सी औरत बेचारी जिसके पति की नौकरी चली गई है, मसाज कर रही है, फुल वो यातनाएं सहती हुई औरत. और आज जब मैंने देखा ना जल लगा के, ओ, मीडिया के आगे एक सीन ऐसा भी रखना चाहिए था. ऐसी वैसी तैयार हो एक था, बताइएगा मत अभी. हाँ अभी बताइए. वो वाला विंक विंक, ट्रेन वाला. हाँ बताएंगे नहीं. और ये दो घंटे बैठी ना पूरी फिल्म की स्टोरी सुना देंगे. नहीं मतलब से सटली बोल रही थी, बाल वाला से कर लिए. जिस सीक्वेंस की बात करी ना, एक बार हम लोग शूट कर रहे हैं, मैम कहते ट्रेन का सीक्वेंस है, मैं और शहाना बाइक पे बैठ के जाना है. अब फिल्म है तो आप जितने मर्जी रिटेक करो ना, लेकिन ट्रेन निकलेगी टोटल 7 बार. तो आपको उन्हीं में से बेस्ट देना है. अब उसमें से कटिंग भी लेनी है. हम बाइक चला रहे हैं तो हमारे आगे गाड़ी चल रही है, उसमें डीओपी बैठे हुए हमारे रंजन दा. सडनली ना मेरे को पता नहीं क्यों शक हुआ, मैं कहा ये जो ड्राइवर है ना कुछ गड़बड़ करेगा, मेरे को उसे मुंह से लग रहा है. मैं कोई बात बोल रहा हूँ, दादा कोई भी स्पीड ब्रेकर आ जाए आपने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगानी है, क्योंकि मैं और शहाना पीछे बाइक पे है. वो गुटखा खा नहीं. मेरे को पता नहीं क्यों लगे, वही हुआ. गाड़ी आई पीछे स्टेशन पे, एक बंदा रहता था ना जो बोलता था गाड़ी वहां से निकल चुकी है अभी 5 मिनट में आएगी. तो हम लोग बाइक लेके तैयार, सीधी गाड़ी जा रही जा रही. मुझे सडनली लगा एक सेकंड के लिए कि हम क्लोज आ रहे हैं. तो इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, हमारे रंजन दा बेचारे डीओपी उलट बाजी खा के वो ड्राइवर के गियर के पास अटके हुए. उसने ब्रेक मार दी एकदम से. ओह माय गॉड, स्पीड ब्रेक रहा और मैं और शहाना एकदम से. इन्होंने बिल्कुल हीरो वाला मूव किया ऐसे लगा. वो एक सेकंड था, नहीं तो हीरो उसी समय आपको लिटा हुआ मिलता वहां. मेरी तो जान निकल गई थी. कई बार होती ना ऐसी मुश्किल होती. पर मैं एक बात बताऊं, 7 ट्रेन निकलनी है तो 7 ही शॉट है. उसमें से भी बीच में 2 मालगाड़ियां निकल गई. हमारे पास बचे 5, एक आई उसका रंग अलग. हमारे पास बचे 4. नंदिता मैम, आपने इनको बनाया डिलीवरी बॉय फिल्म में, तो क्या सोच के बनाया था कि जिस बंदे ने लॉकडाउन में घर बैठ के 2 डिलीवरियां कर दी, वो मोटर्स. एक बात बताओ, ये ताली मेरी बात पे हो रही है या उसके काम पे हो रही है? उनके काम पे. नहीं तो आपको लगता था कि ये बाइक पे घर घर जाके ज्यादा अच्छी डिलीवरी कर सकता है? इतनी प्यारी प्यारी जब डिलीवरियां की हैं ऑलरेडी, जो दो मैं मिल चुकी हूँ दोनों से जी, तो फिर जायज है कि वो डिलीवरी जब करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे. और मैं चाहती भी थी कि ऐसा कोई डिलीवरी राइडर हो जो सिंसियरली करे अपना काम. मैम कहां पंजाब के कुलचे छोले खाने वाले आदमी को आपने डिलीवरी बॉय बनाया. मुझे लगता है शॉर्ट से पहले 10 बॉक्स देते होंगे, जब शाम को वापस करता हूं 8 निकलते होंगे. मैं तो कहती हूं आप लोग इनको एक नए अवतार में पाएंगे जिसमें एक भी पंजाबी नहीं निकलेगी, एक भी वर्ड धक्का मार के बोला है मेरा. एक बार हम लोग नाइट शूट कर रहे थे जिसमें वो एक मजदूरों का लीडर आता है और वो ये जाके रैली में सुन रहा है. तो मेरा एक डायलॉग था, तो मैं उसको पूछना था कि तुम लोग करते क्या हो. तो मैं कहा तुम लोग करते क्या, शोर बड़ा था ना. तो नंदिता मैम आई, तो अड्डा पंजाबी निकल रहा है जी. मैं कहा है कोई बात नहीं, क्षमा करना देवी, हम कोशिश करेंगे आगे से झारखंड एक्सीडेंट निकाले. और कहीं भी गलत होता था, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बुलाई, खुद भी कई बार बोलते थे कि ये वाला मेरा ऐसा तक्का मार के हो गया था, थोड़ा सा तो हो ही गया था. नहीं पर है जिद्दी इस मामले में. मुझे याद है हमने एक बार प्ले किया था कॉलेज में, तो वो राजस्थानी था. तो इसने राजस्थानी भी उसमें, मतलब 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं. प्रैक्टिस करो तो सब हो जाती है चीजें. और जो अच्छा एक्टर हो वो समझता है उसकी अहमियत भी ना. ये बात सही बात है. मुझे ही क्यों बताता हर बार. ठाकुर जी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी फिर शायद ये होस्ट कर सके बार बार, आप प्लीज ये बात इसके कान में डालिए, मुझे 10 एपिसोड दे करने को होस्ट. तो इनको 10 फिल्में करनी पड़ेगी ना उसके लिए, यहाँ बैठने के लिए 10 फिल्में भी तो करनी पड़ेगी. हम तो चाहते 10 की 20 करें ये. बिल्कुल कपिल, तू एक्टर तो अच्छा है ही, वो तो दिख रहा है ट्रेलर में भी दिख रहा है. मैं तो बहुत सालों से तेरे को देख रही हूँ, लेकिन ये बता सच सच कि
तेरा इस फिल्म में कैरेक्टर में घुसने की मतलब बात थोड़ी मुश्किल थी या तो जब तू बुसान फिल्म फेस्टिवल में गया था वहां पर अंग्रेजी बोलना ज्यादा मुश्किल था? मैंने बहुत अंग्रेजी बोली, मैं कसम से मैं कह रहा हूँ, मैंने सारी बोल दी। मुझे ये था कि टोरंटो गए पहले फेस्टिवल, मैंने पहली बार फिल्म वहां पे देखी, मुझे था कि मैं तो बोल के निकल जाऊं, तुम लोग समझते रहो, ये तुम्हारी टेंशन है ना कि मैंने क्या बोला। लेकिन एक जगह तो ऐसा, हम लोग बुसान में साउथ कोरिया में, वो जो लड़की मैम यू रिमेंबर रेडियो के लिए, वो कोरियन में इंग्लिश बोल रही है। कोरियन में रे वही हम नंदिता सुनते कपिल शर्मा, तो मैं ना मेरी आंखें और खुल गई कि ये वाली इंग्लिश तो मैंने मिलकर भी सुनी। तो फिर ये मेरे साथ होती थी नंदिता मैम, मैं धीरे से मेरे को आए ना आए मैं समझ लेता था, बीच में कुछ उन्होंने कपिल बोला तो इसका मेरे लिए, मैंने कहा ऑल क्रेडिट गोज टू नंदिता, ताकि सवाल उधर शिफ्ट हो जाए। पर मैंने देखा वहाँ के लोगों में उनके दिलों में अपने सिनेमा के लिए इतनी रिस्पेक्ट, उनके जो फिल्म स्टार्स थे उनके हाथ के निशान हमारे होटल के बाहर उन्होंने लगाए हुए थे, और हमारी फिल्म देखने आए बुसान में क्योंकि इंडियन कम रहते हैं वहाँ पे, तो हाउसफुल था वो, और एक दो इंडियन थे मैम शायद, बहुत ही कम थे, और बाकी सारे कोरियन, और एक एक लड़की क्राई कर रही थी मेरे साथ, गिन्नी बैठ के फिल्म देख रही थी, वो एक लड़की रो रही है, तो मेरे को लगा मेरी परफॉर्मेंस खराब लगी। उन्होंने उसने बाद में हमसे सवाल भी किया शायद बिंदी को लेकर, बहुत अच्छी लगी। पर हाँ, हमेशा हम लोग कोई भी फिल्म देखते हैं अगर किसी का कोई दुख होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से रिलेट करते हैं, यूनिवर्सल होती है ना एक्चुअली। बट रियली हैट्स ऑफ कपिल, यू नो व्हाई, क्योंकि तेरा रियाज जो है ना वो यहाँ का इस शो की परफॉर्मेंस है, एज अ होस्ट है, एज अ कॉमिक एक्टर है, और फिर तूने वो किरदार किया जो इतना अलग है, बट आई थिंक ही इज सो नेचुरल। मैंने यहाँ का भी जो देखा है ऐसे लगता नहीं, मुझे लगता है कि यार इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी इनको असली में हंसी आ रही है। ये तो क्या होता है लोग हंसने को, तो जो एक्टर्स होते हैं वो तो हंसना भी सीख ही जाते हैं ना, हम लोगों ने सबने बिना बिना बात के हंसे तो नहीं, डबिंग में तो कर रही पड़ा इनको देखिए। कहता अर्चना जी, कहते कि आज तो वाकई वाकई शाहना जी आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आपको फिल्म में इनकी बीवी का किरदार मिला जी, और परिवार पूरा तकलीफ में, तो परिवारों में जब तकलीफ होती है मियां बीवी में झगड़े बहुत होते हैं, आपका इनसे कोई झगड़ा नहीं हो रहा? ये देखिए, ये इनकी स्पेशलिटी है, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बीवी के साथ तकलीफ नहीं होती इनकी। और जो दो घंटे के लिए बनी उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। पर मेरा सवाल ऐसा था कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि झगड़ा करने का मूड है आपका, लेकिन जैसे इसने सीरियस मुंह बनाया और आपकी हंसी निकल गई। मेरी मम्मी को तेरे सवालों से स्मेल आ रही है। मम्मी मम्मी क्या हुआ, ठंड लग रही है? अच्छा अच्छा कोई नहीं, बाहर बैठ जाओ, आपने तो सारे एपिसोड देखे, मैंने 500 शूट किए, मम्मी ने 550 देखे। बेटे की फिल्म की प्रमोशन का एपिसोड थोड़ा ना छोड़ेगी। स्पेशली आई मम्मी, तबीयत ठीक नहीं थी। लव यू मेरी माँ। हाँ जी नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया। और इन दोनों की एनर्जी भी बड़ी सिमिलर है, दोनों बहुत हंसते हैं, बहुत लाइट हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, तो एक बहुत ही, इनके बच्चे भी बड़े प्यारे मिल गए हमको उड़ीसा में ही, तो पूरी एक फैमिली, एक जब आपको फिल्म में दिखेगी तो ऐसे लगेगा हाँ यही कपिल की माँ है, आप जैसी बिल्कुल नहीं लगती हैं, माफ कीजिएगा। वैसे थोड़ा बहुत तंग किया क्या कपिल ने आपको? निकालो अम्मा, निकालो बीप, निकालो बीप, मेरी इंटरव्यू साथ ना जाने देना, मेरा कट जाएगा, फायदा नहीं, मैं बेकार में बोलूंगी तो फिर अच्छा नहीं, 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 आप बोलिए। नहीं हम नहीं काटेंगे। नहीं नहीं बहुत मतलब तंग जब भी किया भी हो, और मेरा तो मेरी शक्ल में सब दिख जाता है, अगर मैं इरिटेट हो जाती हूँ तो मेरा बिल्कुल, तो आके बोलती थी पक्का मैं टाइम पे आने वाला था, 5 बजे उठ भी गया था, उसके बाद पता नहीं मैं जिम पे चला या फिर मैं आके सो गया। दो बजे सोने वाला बंदा उसको 3:30 उठाती थी, आप सब गवाह हैं। मैं मिलॉर्ड, ये झूठ है, मिलॉर्ड मेरी बात सुनिए, 3:30 उठ के आधा घंटा आदमी को लगता है होश आने में कि मैं क्यों उठ गया इतनी जल्दी। 4 बजे उठ के फिर आदमी कुछ हल्का सा खा के फिर जिम जाता था, उसके बाद आपकी लोकेशन पहुंचना, और इससे जल्दी क्या करते हैं। और दूसरी चीज में मैं, हम लोग जब बात करते थे सेट पे तो मैंने बोला कि कैसा लग रहा है ये करने, तो कपिल मेरे को बोल रहे मैंने तो ना डे लाइट में शूट ही नहीं किया इतने सालों से, मैं सेट के अंदर रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं, मेरे को तो आंख में चुभ रहा है ये। तो बेचारे, बट असली बात है ये, वाकई में इन्होंने हमारे तो अपने शो का कभी मॉर्निंग में पैकअप हो जाए, बाहर निकले सूरज निकला हुआ है, क्योंकि नॉर्मली शूट खत्म होते होते शाम हो ही जाती है। अच्छा ये क्या करती थी पैकअप के बाद, मैं अपना, मुझे कभी कभी मजा आता था कि यार बाइक चलाने को मिली इतने सालों बाद,
बाइक चला के, तो ये उसको भी शूट कर लेती थी ये। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। जितना मिल जाए, आपको तो पता है ना, आपका ये 8 घंटे का शो आप करेंगे ना फाइनली, कितने मिनट का है ये आपका शो? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? आपको शत-शत प्रणाम। लोग 1.5 घंटा देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये तो। जी जी जी। 10 साल से देख रहे, 3 महीने के लिए बनाया था। I think लोग इनको जितना प्यार करते हैं ना, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको अक्रॉस द बोर्ड इतना प्यार मिला हो। सही में बहुत आपके अच्छे नसीब हैं। अब माँ के लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, क्यों है ना? वो तो भला हो मेरे माँ बाप का जिन्होंने पहले प्यार किया फिर हम दुनिया में आए। एक दो तीन चार, तो देखो बार बार। एक दो तीन चार, तो देखो बार बार। एक दो तीन चार, तो देखो बार बार। कपिल शर्मा तुम फिल्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नंदिता दास जी नमस्ते, नमस्ते। शाहना गोस्वामी जी नमस्ते, कपिल शर्मा जी नमस्ते, राजीव ठाकुर जी यहाँ कैसे? तू कहाँ है, अकेले चश्मा पहन के आई है? दीदी अपने बंदे की फिल्म आई, आज मैं एटीट्यूड में रहूंगी। आज तो एटीट्यूड बनता है अर्चना जी, बनता है तू है। लेकिन हमने ना प्रमोशन का पूरा तैयारी कर दिया है नंदिता दास। अच्छा जी, आपको जान के बहुत खुशी होगा, दिखाते हैं एकदम। सुबह जाग के क्या करोगे? जुगाड़ तो देखेंगे। लंच खाओगे दोपहर में फिर क्या करोगे? जुगाड़ तो देखेंगे। रात को 2 बजे अचानक से आँख खुल गया तो क्या करोगे? जुगाड़ तो देखेंगे। तेरी अम्मा ने खोल के रखा है थिएटर रात को 2 बजे। रात को 2 बजे आँख खुलेगा तो तुरंत बंद कर देना है, क्योंकि हमें सुबह जाग के क्या करना है? क्या करना है? अरे रात को 2 बजे क्या करने जा रहा था? जुगा तो देखेंगे। अरे तो कुछ भी नहीं, हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। दिखाइए दिखाइए। ये देखे पे है टैटू मेकिंग मशीन, इससे क्या बनता है? टैटू, ये हाथ में टैटू। हाथ में लेके जाओ, रास्ते में जो कोई भी दिखाई दे ना उसको पकड़ो, उसके माथे भी जिज करके लिखो, जिज गैटो। ठीक है? कोई अगर तुम्हें ना करे, मना करे, गुस्सा हो, लड़ाई करे, हाथापाई करे, तो आपके पास आ जाएंगे। ना इनके पास आना, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है? अभी निकलो चलो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। पूरा तैयारी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत हमने पूरा कर दिया है। थैंक यू दीदी। हाँ। ये तो वही है ना जो होस्ट की सीट पे बैठते थे, आज वहाँ बैठे हैं। होस्ट के सीट से उठ के वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगता है। सही बात है दीदी, वहाँ पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? यहाँ मेहनत है, दोस्ती यारी में हो जाता है। ये बंदा आज होस्ट है क्योंकि ये दोस्त है। या फिर ये दोस्त है इसीलिए होस्ट है। आप देख रहे हैं हमारा छोटी बहन पर कितनी सयानी हो गई है। ये आपका फिल्म का जो मजबूर मजदूर डायलॉग को लेकर ठीक पकड़ा है इन्होंने। ये देखिए क्या प्रमोशन किया है, आई एम इम्प्रेस्ड। बड़ा अच्छा किया है। थैंक यू दीदी। दीदी ये तो वही ना जो रावण में थी, रॉकवन में थी, हीरोइन में भी थी। शाहना गोस्वामी जी, आप तो पेरिस में भी रह चुकी हैं। हाँ, आपको पता है मुझे फ्रेंच में वो सबसे अच्छा लगता है। फ्रेंच में ही अच्छा लगता है, मतलब ये क्या है? दीदी फ्रेंच फ्रेंच दाढ़ी, दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंच दाढ़ी। तो इतनी अच्छी लगती है तो दोनों बहनें रख क्यों लेती? तू शेव करा के सूट पहन के यहाँ पे आती हो? शर्मा जी आज ये होस्ट का कुर्सी पे हम बैठ सकते हैं? क्यों? मैं उठूंगा ही नहीं। नहीं आपको उठना नहीं, आपके ऊपर ही तो हमें बैठना है। ये फालतू बातें करने आओ यहाँ पर, ये मेरे दोस्त की फिल्म आ रही है इसलिए बैठा हूँ। हमें पता है कि आपके दोस्त की फिल्म आ रही है, यहाँ जो कुछ भी आता है आपके दोस्त का ही आता है, आपका तो कुछ आता है नहीं। और इसको तो शर्म भी नहीं आता है। मेरे को शर्म आती है इसलिए 4 पैसों के लिए इस तरह औरतें बन के नहीं आता मैं। ये ओरिजिनल नहीं है आपके शो में? अच्छा। हाउ फनी यू गाइस आर यार, इन फुल कैरेक्टर ही है। और वैसे भी है ना, हम 4 पैसों के लिए नहीं ऐसे बन के आते हैं, थोड़ा ज्यादा है, रिसर्च करो थोड़ा। बहुत अच्छे।
वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते थे, हाँ हमें गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। ये हमारी बहन है रानी, हमारे गांव से आई है, बड़ी प्यारी लड़की है। शर्मा जी, हमारा ना एक मौसी का बेटी का शादी हो रहा है, तो वहाँ पे 500 बाराती रहे, उनको जरा खाना खिला दीजिएगा। ये क्यों खिलाएंगे? अब फिर मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि खाना खिलाना बड़ा पुण्य का काम है। करो। हाँ, ये 500 बोल रही है और 450 का खाना खुद खाएंगी। आपको पता है इनका जो बेटा है ना, एक कमाल का बात आपके लिए फिल्म में उसने कहा, क्या क्या, कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ट्राई करते? कॉमेडी जो है सूट नहीं हो रहा। लेकिन शर्मा जी, एक चीज आपसे पूछना था। क्या? हम फिल्म का ट्रेलर में देखे, आप उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना गर्मी है और गर्मी के अंदर आप बाइक पर बैठ के यहाँ वहाँ जा रहे हैं, सामान अपने हाथों से उठा रहे हैं, अपने हाथों से डिलीवरी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपका कोई दोस्त आपका हेल्प करने नहीं आया? यार सोनी टीवी थोड़ा सा पैसा क्या दे रहा है? ये कूद कूद के आया है आपका दोस्त? यार दोस्त इधर बैठ के कितनी देर से प्रमोशन कर तो रहा है। मैंने तो अपने फॉलोअर्स को भी बोला है कि जुगेटो जरूर देखें। आपके फॉलोअर्स को? यस। 35 लोग में थिएटर भर जाएगा। ओहो, छा गई गुड़िया। दीदी 35 नहीं 33, हम दोनों ने आज सुबह इसको अनफॉलो किया है। वापिस 35, इन दोनों ने मुझे फॉलो भी किया। मैंने पूरी फिल्म कर ली, मुझे नहीं आज तक उन्होंने किया, इसलिए फॉलो कर लिया। वो किसी को भी फॉलो नहीं करती। मैं इसीलिए किसी को भी नहीं फॉलो करती। झूठे, वरना पता नहीं ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना। थैंक यू वेरी मच। बच के रहना अच्छा है। पांच बातों का एक ही बात में आपने काम खत्म किया। पर आपसे यहाँ से शुरुआत की थी मैंने इनसे। यू आर इंक्लूडेड। यस दीदी, इनको छोड़िए प्रमोशंस, मैंने असली प्रमोशंस किया। आपको पता है हर जेंट्स बाथरूम में मैंने अपना नंबर लिख दिया है। जेंट्स बाथरूम में नंबर लिखा, ये कैसा प्रमोशन हुआ? यदि वो लोग फोन करेंगे और मैं बोलूंगी हेलो, पहले जुगाटो देखो तब बात करूंगी। एक मिनट, जुगाटो फिल्म देखने के बाद जब वो फोन करेंगे तब तू क्या बातें करेगी उनसे? यदि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत बोली है हमारी बहन, तू टेंशन मत ले, फोन आएगा ना वो कॉल हमारे डाइवर्ट कर देना। हम बात कर लेंगे, हो सकता है कि तेरा होने वाला जीजा हमें बाथरूम के रास्ते से ही मिल जाए। लेकिन आपको बताएं शर्मा जी, हमने भी ना प्रमोशन में कोई ऐसा कमी नहीं छोड़ा। वो तो हम देख ही रहे हैं। हमने 150 लोग को, 150 पीपल को हायर किया। अच्छा। उनको टी शर्ट पहनाया, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा जुगाटो। फिर हमने उनसे कहा तुम जाके करो चोरी। नहीं, टेंशन नहीं लेना है, वो चोरी करेंगे, पकड़े जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा में दिखेंगे। हाँ। फिर वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज न्यूज में आएगा, टीवी में आएगा, पेपर में आएगा, सबको पता चल जाएगा फिल्म आ रहा है जुगाटो। वाह गुड़िया। एक और तरीका है, जुगाटो का पोस्टर लो और अपने मुंह पे लगा लो, ये मुंह वैसे भी अच्छे नहीं लग रहे। आप उसके पीछे क्यों नहीं जाते कभी? किसके? सलाखों के पीछे। नहीं सच में, आप बड़े अच्छे लगेंगे वहाँ पे, वो जो कच्चा देते हैं ना कैदियों को, बड़ा सूट करेगा। और वो कच्चा मुंह पे पहनिएगा। टू मच हो गया है तो। सॉरी कपिल जी, सॉरी शाहना जी, सॉरी, हमने ये शो 3 महीने के लिए शुरू किया था और 10 साल हो गए इस शो को। 10 साल जो हुए हैं ना, हमें और इनको हुए हैं। हाँ। आप भी 10 साल से? हम भी हैं 10 साल से। हाँ। ये जो महोदय हैं, जो इतना प्रवचन दे रहा है, ये अभी 3 महीना पहले ही आए। दीदी चलिए ना, हमें बहुत सारे प्रमोशन करने, चलिए चला जाए। ठीक है, चलते हैं। अभी आपका फिल्म सुपर डुपर हिट हो ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू गुड़िया। थैंक यू। थैंक यू। कपिल, मैं आपसे पूछूं कुछ? जी, अगर आपको अपने आप से कुछ पूछना होता, नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस, क्योंकि आप इतना होस्ट करते हैं, अगर आपको अपने आप से पूछना हो तो आप क्या पूछते? यार ये ना ऐसी इंटेलेक्चुअल बात कर देती ना। अब इसमें इंटेलेक्चुअल जो मेरे बाप दादाओं ने भी नहीं सोची होती।
ऐसी बात कर देंगी ये कभी कभी। जैसे आपको कॉमेडियन का लेबल लगा दिया ना, मुझे ये इंटेलेक्चुअल का लेबल लगा दिया। सब मुझे आने से पहले कह रहे थे चश्मा उतार दो, चश्मा उतार दो। मैंने कहा वो है ही लेबल, कुछ मैं कुछ चश्मा उतारू ना उतारू, जाने वाला नहीं है, तो अब इसे अच्छा पहने रखू ताकि दिखे आप लोग सबसे। पर बताइए सच्ची में, पर बालों में कल मैंने आज पहली बार देखे, पूरी शूटिंग में नहीं मैंने देखा, वहां पे तो जूड़ा बांध के गुस्से में रहती थी। चलो ये आज आई पूरी। उफ हाँ, मुझे ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप वैसे ही प्यारी लगती हैं मैम, उनको करने की उठती है। ये तो सही बात है। आप आपको बोझ तो नहीं लग रहा कि हम आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं इसलिए आपको भी करना पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, मुझे तो ये लग रहा है। चलो मेरा सवाल का तो फिर जवाब नहीं दिया। देखिए आप पतली गली से आपने, मैं अपने आपसे अगर पूछना चाहता तो मैं जरूर पूछता कि कभी कभी ना हम अपने लिए काम करते हैं, है ना, हमारी जरूरतें होती हैं, हम घर से निकलते हैं, कभी कभी ऐसा भी माहौल हो जाता है कई चीजें आप नहीं करना चाहते होते वो भी आप कर जाते हैं, तो मेरी वो एक प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि वो मैं ठीक करूंगा। मतलब ये सवाल थोड़ी है, ये तो जवाब दे दिया, जवाब दे दिया आपने पहले। हां अच्छा, पहले सवाल तो बताओ क्या था। हर चीज में कॉमेडी नहीं करते, मैं ये बोल रहा हूं वो हंसी मजाक में हम लोग जो मर्जी बातें करें, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे, यू ऑल नो कि पेंडेमिक में जो भी हुआ बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, तो ये कहानी एक आम आदमी की है कि हम सब लोग यहाँ पे एक टीवी शो कर रहे हैं, टचवुड सब कुछ अच्छा है लाइफ में, हर एक की अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं, पर एक गरीब आदमी जो कोई जिसके एक परिवार है छोटा सा और उसको अपना घर चलाना है, उसकी नौकरी चली गई है, लेकिन वो घर पे परेशानी भी नहीं बताना चाहता, बच्चे समझेंगे नहीं, बीवी के साथ शेयर करता है, बीवी भी बेचारी छुप छुप के कुछ ना कुछ पति की हेल्प करती है कि मैं घर के साथ साथ मैं कुछ कमा के भी लेके आऊँ। तो ये एक बड़ी प्यारी सी कहानी है जो आप देखेंगे तो आप सब कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे उस कहानी के साथ। जरूर देखिएगा आप। आपको पता है मेरे से ज्यादा एक्साइटेड ये थी पहले, मैंने इनको कहानी सुनाई थी तो ये बोली कपिल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये तू कैसे तू पकड़ेगा वो एक्सेंट, तो ऐसा करेक्टर करेगा, तो मेरी मेंटोर भी हैं अर्चना मैम, थोड़े से टिप्स भी देते, मैंने कहा ओवर एक्टिंग नहीं करना आजकल फिल्मों में, कहता है मुझे पता है, मुझे पता है, सो स्वीट, बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करते। पन्नी मैम ने मुझे जितने भी टिप्स दिए मैंने कोई भी नहीं लिया। बात है कि यहाँ पर मतलब जब भी हमारे शो में कभी एसी हल्का भी कर देते हैं ना हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पर तो ये कपड़े फाड़ देता है, गर्मी है, यू नो ये है, जैकेट उतार देता है, व्हाट इज दिस। वहां पर कड़कती धूप में आपने मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू मेक हिम शूट? वेल वो तो मेरा दिल ही बताएगा। गर्मी इतनी थी, मैं आपको सच्ची बताऊं मैम, जिंदगी में ना मैं आर्टिस्ट तो बनना चाहता था, मैं पैसे इसलिए कमाना चाहता था ताकि मैं एसी लूं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि हमने हम नॉर्थ में पले बड़े मैम, हमारे वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है कि मतलब कुत्ते की तरह गर्मी पड़ती है। और होता ना कि छोटे घर में कि एक पंखा ले आए, पिताजी कूलर ले आए, तो चार चारपाइयां बाहर डाली हुई हैं, और जो कमाता है जिसने कूलर लिया उसका चारपाई फर्स्ट नंबर पे होती है। तो पहले पिताजी, फिर पिताजी के साथ माताजी वाली चारपाई, फिर हम लोग भाई बहन आते थे। मेरा बड़ा भाई तो गीला तौलिया करके डाल लेता था, मेरे को बड़ी चिढ़ थी गर्मी से। पर जब नंदिता दास किसी को अप्रोच करें फिर आदमी गर्मी सर्दी नहीं देखता है, क्योंकि जब इनको काम करते आप देखते हो कि हम तो अपना शॉट देके फिर भी भाग जाते थे वैन में या कहीं बैठ गए, तो ये धूप में जब काम करती थी ना इनको देख के ही आप में एनर्जी इतनी आती है। बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती भी है। और जब हम पहले दिन उड़ीसा गए ना, भुवनेश्वर गए, तो वहां पे एक कॉलेज है जिसके अंदर हॉस्टल में मैम रह रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे 25,000 के करीब स्टूडेंट्स रहते हैं, तो ये वहाँ पे थी, बोलती आ जाओ रिहर्सल के लिए, हम लोग एक ड्राफ्ट पढ़ते हैं। मैं चला गया, थोड़ी देर में इन्होंने बाइक मंगवा ली मेरी तो इन्होंने दूर से देखा बाइक, कुछ प्रॉब्लम नजर आई, तो बीच में छोड़ के ना उन जिससे जंग निकालते हैं वो खुद बाइक पर लग गई। मैं सोचूं डायरेक्टर तो अच्छी है, थोड़ी पागल तो नहीं है, मतलब एक एक डिटेलिंग में चीज में। पर वो अब जब फिल्म बन के आई अब मैंने देखा ओके सो That is Nandita Das. इतना बारीकी से काम करना। Thank you, Kapil. नहीं पर ये भी कभी बना नहीं करते, हमने उनको इतना राइडिंग कराते थे क्योंकि कभी कोई पीछे से फोटो ले रहा है इनकी, कभी कोई आगे से ओए कपिल बुला रहा है हमें, तो मतलब गुरिल्ला शूटिंग करनी पड़ती थी ना, हम तो ऐसे रोक नहीं रहे थे सड़क को, तो फिर कहते थे फिर राइड करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है, हेलमेट लगाया फिर चल दिए, तो इसलिए उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा मैम वैसे आप भुवनेश्वर से है ना? मैं उड़ीसा से हूं। जी तो भुवनेश्वर में जब आपने शूट किया तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी या आपको लगा कि होटल का खर्चा बचा के गद्दे वद्दे डाल देंगे कहीं? डायरेक्टर होने के कुछ थोड़े बहुत फायदे हैं कि आप अपने मन का कर सकते हो, राइट, अपने मन के किरदार बना सकते हो, अपने मन की जगह में शूट कर सकते हो, तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है, मुझे वैसे भी एक टूटा है सिटी चाहिए था,
तो मैंने कहा क्यों नहीं भुवनेश्वर, इसमें आप उड़िया भी पहली बार सुनेंगे, आपको लगेगा कि ये कौन सी भाषा है। वैसे समझ आ जाती है, नहीं आपको समझ आ रही थी ना जब दूसरे बोलते थे? नहीं, हाँ नहीं। एक अफवाह है आपके बारे में, इसलिए मैं ये सवाल, मेरे बारे में अफवाह ही है क्योंकि लोगों ने मुझे नहीं पता, सच भी हो सकती है कि आपने मंटो के लिए नवाज भाई को 1 रुपए में साइन किया था और वो उन्होंने अभी तक लिया नहीं, मेरे पे उधार रखा है। देखिए बाप रे, आपके रेट पड़ गई तो 1 रुपए आपने रखा हुआ। मैम जब आप नसीर साहब को डायरेक्ट कर रही थी जी, वो खुद इतने कमाल के एक्टर है, तो आपको वो झिझक नहीं होती कभी ऐसे? देखिए जब हम काम करते हैं ना, इसमें कोई, हम लोग बहुत, ये इंडस्ट्री बहुत हायरार्किकल है कि आज आप इतने बड़े हैं, या तो आप जाने माने हैं, या आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, हम लोग सब मिलके एक चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी की बहुत इज्जत कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनसे कोई डरे या झिझके, क्योंकि एज ए डायरेक्टर और इवन एज अ को एक्टर मैंने बहुत सारी फिल्में बड़े एक्टर्स के साथ भी किए हैं, चाहे अमित जी हों, चाहे आमिर हों, या जिसके भी साथ भी। तो एक सीन मुझे याद है, अमित जी के साथ करना था, तो मुझे उनको मारना पीटना था और उनको काटना था, तो मैंने उनको काटा। और एज एन एक्टर आप क्या करते हो, कपड़े को काटते हो ताकि आप जोर से काट सको, ताकि आपका मुंह बिल्कुल लगे, आप फॉल्सली तो नहीं काट सकते ना। तो मैंने उनको पूरा काटा, मुझे लगा उनको कपड़ा ही है जी। और फिर उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, पूरा शॉट हो गया, धीरे से ऐसे स्लीव रोल करते हैं, पूरा ब्लू, और मैं मतलब सॉरी 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 भी बोल रही हूँ, मुझे अजीब सा भी लग रहा है। मैंने कहा इतनी नेचुरल एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कहा जी आई एम सो सॉरी, आप बोल ही देते जब पहला दांत लगा था तभी बोल देते तो मुझे पता चल जाता। कपिल आप अब फिल्म बनाइए जिसमें कॉमेडी फिल्म, क्योंकि इनकी कॉमेडी बहुत कम लोगों ने देखी है, हमने देखी है, पर तो आपको बहुत बिट्टी है। मुझे सीरियस सवाल ही पूछे जाते हैं, तो मैं उसका सीरियसली जवाब दूंगी ना। मैं तो कभी ना लूं फिल्म में जो अमिताभ बच्चन को काट सकती है। वो हमारा क्या करेगी? बच्चन और नंदिता एक फैशन सा है इंडस्ट्री में, स्पेशली फॉर अमित जी, कि जैसे अमित जी मेरे सामने आए तो मैं अपने सारे डायलॉग भूल गया और बड़े गर्व के साथ बोलते हैं, और मैं सोचती हूँ ऐसे कैसे एक्टर हो तुम जो तुम मतलब कैमरा ऑन है और तुमने बिकॉज उस शख्स को देखा और तुम डर। ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स विगाटो में भी जिन्होंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था, कपिल के सामने आने के बाद भूल गए अपने डायलॉग। तू तो अमिताभ बच्चन है यार। सही में एब्सोल्युटली। और मैं उनको देखती थी, मैंने कहा यार तुम तो इतना अच्छा करते थे, इतनी अच्छी रिहर्सल भी की। नहीं पर कपिल शर्मा उनको तो शाहना मैम, जैसे आपने एक फिल्म की थी हीरोइन जिसमें करीना के दोस्त का रोल, रावण में शाहरुख खान के दोस्त का रोल, ब्रेक के बाद में दीपिका के दोस्त का रोल, तो इन फिल्मों के लिए ऑडिशन देना पड़ता है या दोस्ती से काम चल जाता है? एक सेकंड, ये फिल्में हैं, इन फिल्मों में कोई दोस्ती वोस्ती नहीं चलती, ये कपिल शर्मा का शो नहीं है जहाँ पे सब दोस्तों को डाल दिया है। समझ गया, कर ले इंटरव्यू, आ जा। मैंने करना ही नहीं अगला सवाल। तो तुझे क्या लगता है ये इजी जॉब है? अब पता चला? नहीं है तो सही। अच्छा फिल्म में आप दोनों थे तो कभी इसने आपके लिए गाना गाया वहाँ पे? मेरे लिए गाया था एक पूरे रेस्टोरेंट में हमारी शूटिंग थी। उसके बाद सब इतने खुश हो गए थे कि अच्छा कपिल जी आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। अब पता चला पैकअप जैसे ही हुआ कहाँ से लोग आ गए, पूरा मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, कोई गिटार कोई बैंजो, सब इंतजाम कर दिया और इन्होंने पूरा एक यू पोस्टर नंदिता मैम आप इंस्टाग्राम पे आप बहुत कम होती हैं वैसे जी, पर शाहना आप भी जो अपने फैंस के लिए फोटो डालते हैं आपको पता है लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। और जब से हमने अपने शो में ये सेगमेंट ऐड किया ना उसके बाद से लोग जेन्युइनली बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। अच्छा मेरी डाल दी पहले। जब अंदर बैठने का दिल ना हो और बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो, ये हम लोग न्यू ईयर पे गए थे अपना अमृतसर, तो होटल के जिम एरिया में हम लोग बैठे थे क्योंकि बाहर फॉग बहुत थी, इसलिए मैंने फोटो डाली। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाग्य के भरोसे ना बैठे आप तीनों, हट्टे कट्टे मेहनत करके बैंक लूट सकते हैं। मेहनत करके बैंक लूट सकते हैं। देखिए मैं भी जब ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा गया था थाने में ऐसे ही बिठाया गया था। मेरी फोटो के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। जहाँ आज पूरी दुनिया वेस्टर्न स्टाइल की तरफ भाग रही है, ऐसे में ये तीनों इंडियन स्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। और अंदर टीचर के पढ़ाने से इनकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी इसलिए बाहर आकर सो रहे हैं। ठेका खुलने का इंतजार करते तीन लोग।
ये बेस्ट है। और दिखाइए, शहाना ने ये फोटो डाला है, लॉन्जिंग इन द समर सन इन पेरिस। ओहो, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सच में पेरिस है? और सारे तेरे जैसे ही। अच्छा हुआ बता दिया, मैं तो तकिया देखकर समझ रहा था आप रेलवे के वेटिंग रूम में सो रही हो। मैं तो दिल्ली जाकर भी दिन रात घूम रहा था, ये पेरिस जाके सो रही हैं। जरूर ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड होगी। लड़कियां ऐसे ही दिन में चार चार घंटे सो जाती हैं और फिर लेट नाइट तक चैट पर बॉयफ्रेंड को जगा के रखती हैं। आप ऐसा करती हो शाना? दिन रात जगा के रखती हूँ मैं तो। आगे और कमेंट्स पढ़ते। नंदिता मैम ने ये फोटो डाला है, सो हैप्पी यू केम, अपना बीडू जग्गू दादा आए। अच्छा, आपके पापा की एग्जीबिशन के पे जी। ओके, दिखाइए नीचे कमेंट्स। जग्गू दादा को बताते हुए, आप गलत देख रहे हैं, पेंटिंग में मुंह इधर है। हम घर में पेंटिंग वही लगाते हैं जहां दीवार पे प्लास्टर जड़ गया हो। इसने कहीं हमारा पुराना घर तो नहीं देख लिया? और दिखाइए क्या क्या चीज लो। ऐसी पेंटिंग बड़े घरों में होती है, हमारे यहाँ तो अखबार के साथ आया फ्री का कैलेंडर लगा रहता है। और दिखाइए। ओहो, इफ नो जिम इंग देन स्विम इंग एनीथिंग इंग। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, ये खूबसूरत पंक्तियां मैंने लिखा भी है, सॉरी फॉर माय बैड राइमिंग बट सी माय इंटेंशंस। आगे देखते हैं कमेंट्स। दिखाइए, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, पूल के बाहर बैठकर आ जाते हैं और बोलते हैं आज मैंने 2 घंटे स्विमिंग की। अरे मैंने सच में की थी, फोटो में फॉरनर देखकर इन्होंने होटल बुक किया था, अब इंतजार कर रहे हैं कब आएगी। हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन भी पूल के बाहर बैठ के ऐसे ही खैनी मलता है। और दिखाइए। सर टेंशन मत करो, आपकी राइमिंग जैसी भी हो आपकी टाइमिंग जबरदस्त है। ट्रू फैन, सही बात है। और दिखाइए, शहाना ने फोटो डाला, टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ। सबसे पहले तो कृपया हमें इसका मतलब समझाएं। मतलब एक नया अंदाज है, नया स्टाइल है जो आप कर रहे हैं इस जुगाटू से। एग्जैक्टली, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है या तो आप इस ड्रेस से खुश नहीं है या फोटोग्राफर के बताए हुए पोज से खुश नहीं है। 2 उंगलियों से पर्स उठा रखा है, मैं तो पहले ही कहता था लड़कियों के पर्स में कुछ नहीं होता। डिजाइनर लोग ऐसा ही करते हैं, पर्दे की ड्रेस बना देते, ड्रेस का पर्दा। इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस है यार ये, ऐसा धागों वाला साड़ी का डिजाइन है या धुलाई में उधड़ गई। और दिखाइए। नंदिता मैम, मैं आपको इतना इंटेलेक्चुअल समझता हूँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरी सच्चाई है। चलो राजीव ठाकुर जी पढ़ के बताएंगे पूरा। अच्छा, जो हिंदी हिंदी वाले कमेंट थे वो पढ़ लिए, इंग्लिश मुझे पढ़ने को। चाहिए तो मैं कर दूंगी। द ट्रैक, दिस इज पार्ट वन ऑफ दैट आई मैजिकल मैजिकल माउंटेन्स एंड हु बेटर देन एट, यही तो पढ़ा ना मैंने करके। इन्होंने लॉकडाउन में इतना काढ़ा पी लिया, सर पे जड़ी बूटियां उगाई। आपने तो पत्तों की हैट पहनी है, मैंने तो पत्तों की लुंगी पहनी थी, बकरियां मेरे पीछे पड़ गई। ज्यादा देर पत्ते मत लगाना वरना चिड़िया घोंसला समझ के अंडे दे जाएगी। और दिखाइए। आप भी ढूंढ ढूंढ के लाए वैसे। Come on baby, I have some international fans. Come on. ये आपको पता है, ये टोरंटो फेस्टिवल की फोटो है। तो हम लोग कहीं बाहर खाना खा रहे थे, तो वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए बाहर से, ये भी शायद फिल्म वाले लोग थे, तो इनमें से किसी ने जुगाटो देखी थी हमारे प्रीमियर पे। तो वो मेरे पास आई, कहती आर यू द सेम गाय हू प्लेड जुगाटो। मैं तो, जो मेरा दोस्त मिलने आया था ना, मैं कहा तू निकल चल। मैं कहा मैं इंटरनेशनल फैन से मिलूंगा, तुझे मिलूं। तो ये तब की फोटो है, दिखाई नीचे कमेंट्स। कम ऑन बेबी, आई हैव सम इंटरनेशनल फैंस। बंदा कितना भी फेमस हो जाए, अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचवाने का शौक नहीं जाता।
वो मेरे साथ खिंचवा रही थी। सही बोला। इलिटरेट पीपल। पर तू पोस्ट कर रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है मेरे अंग्रेजी के साथ फोटो है। पकड़े गया। मैं बचपन में भी खिंचाता था, अमृतसर में हमारे टूरिस्ट आते थे ना, वो मैं उनको ऐसे ही बोल देना मेरी साथ फोटो खींच लो, तब मेरे को पता नहीं था बचपन में कि कैमरा तो इनके पास है, ये तो इनके साथ चली जाएगी। तो मेरी इतनी सारी फोटो पेंडिंग्स हैं जो पोस्ट होने वाली। तो ये अब वो बेच के पैसे कमा रहे होंगे वहां उससे। अंग्रेजों को क्या पता हम क्या कर रहे हैं। एक्टर्स की ऐसी हरकतों की वजह से ही नेक्स्ट ट्रिप पे उनकी वाइफ साथ जाती है। बात तो सही है। टोरंटो के बाद गई थी अब समझ आया क्यों गई थी वो। आपकी और मेरी लाइफस्टाइल लगभग सेम सेम है। आप टोरंटो से आए हो, मैं दुरंतो से आया हूँ। दुरंतो ट्रेन है ना। आदमी शादीशुदा है इसलिए हाथ जेब में है, वरना हाथ कंधे पे होते। ये कौन है मैम, इतनी जेलसी। और दिखाइए। हेलो, नाइस, सीरियसली, या थैंक यू बोल बोल के इन्होंने अपनी पूरी ट्रिप निपटा दी होगी। ये कोई मेरा जानकार लगता है। हाँ, ये जानकार है। या नाइस बेबी। और दिखाइए। हेलो हेलो। शहाना ने फोटो डाला, फूड एंड ड्रिंक्स आर द सोल नॉरिशर्स। ये क्या है? यम्मी इन माय टमी। स्ट्रॉबेरी के ऊपर चॉकलेट डाल के जी। अर्जुन यम। और किसी फोटो पे इनका कमेंट नहीं आया। खाने पीने की चीजें हैं, यम। आइए कमेंट्स देखते हैं। खाने का टाइम हो रहा है यार, तो भूख तो लगेगी अभी। आपका तो पीने का भी हो रहा है। स्ट्रॉबेरी पे चॉकलेट, ये कॉम्बिनेशन लड़कियां ही बना सकती हैं। हमारी सोच तो जलेबी रबड़ी से ऊपर जाती नहीं। ये बेचारा मेरे जैसा कोई होगा। शहाना कार्ड दिखाकर ये प्रूव कर रही हैं कि इन्होंने ये पैसे देकर ही लिया है, स्माइल देकर नहीं। और दिखाइए। मैडम एक सवाल है, पहले चॉकलेट चाटनी है और फिर स्ट्रॉबेरी खानी है, या दोनों एक साथ खा सकते हैं? उसको रिप्लाई किया किसी ने, आपको गाली कमेंट में दे दे चलेगा या फोन पे सुनना पसंद करेंगे? अच्छा, नीचे भी लोग लड़ते रहते हैं आपस में भी ना। बिल्कुल। और दिखाइए। अच्छा जवाब दिया है इन्होंने। It was a packed house, aisles were full and lines outside were long. Finally the Indian premiere of Zugato. Oh wow! ये इसमें मैं जा नहीं पाया था मैम। शाना आप गई थी ना? आप भी नहीं गई थी? कोई भी आया, मैं अकेली। सीरियसली हमारी फिल्म की लाइन लगी थी मैम? अरे बहुत लंबी लाइन, आधे लोग नहीं पर आधे लोग जा नहीं पाए अंदर। अच्छा, मुझे लगा फ्री में जूस बट रहा है शायद। वाओ गाइस, यू कैन सी, ये फोटो को आधा घंटा दिखाया जाए सोनी टीवी पे। हमारी फिल्म की लाइन लगी हुई है और ये रियल फोटो है हमारी। नंदिता मैम गई थी प्रीमियर पे केरला फेस्टिवल में। दिखाइए नीचे कमेंट्स। इतनी लंबी लाइन देख के मुझे याद आया कल ड्राई डे है, मुझे आज ही इंतजाम कर लेना चाहिए। प्रीमियर पे इतनी लाइन देख के लग रहा है जैसे टिकट के साथ एक एक खाने का डब्बा भी मिल रहा है। अच्छी फिल्म बनाई हो तभी डायरेक्टर खुलेआम थिएटर में जा पाता है, वरना बस पकड़ के गांव निकल लेता है। और दिखाइए। खत्म। धन्यवाद। ओहो, नंदिता मैम ने इस फिल्म को लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है, और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि उस कैरेक्टर की, उस किरदार की कहानी जो है वो आप तक लाई जाए, कि वो किन मुश्किलों को, परेशानियों का सामना करते हैं। और आज मैम हमारे यहाँ पे कुछ ओरिजिनल फूड डिलीवरी राइडर्स आए हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ थोड़ा वार्तालाप करें, कुछ बताएं कि आप लोगों को क्या परेशानियाँ होती हैं अपना काम करने के दौरान। जी जी सर। हाउ यू ब्रदर? हाय कपिल सर। हेलो। आपने सर जैसे फिल्म में दिखाया है तो हमारे साथ रियल में भी होता रहता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ एक गुस्सा हुआ था कि मैं रात के 12 बजे थे तो मैं एक कोरियर कस्टमर ने बुक किया, तो उससे पहले मैं 20 रुपये का जैसे एक ऑर्डर गिरा था, एक ही गिरा था तो 20 रुपये कमा चुका था। इसके बाद जो दूसरा ऑर्डर गिरा उसमें 300 रुपये का ऑर्डर था, तो उसमें 10 समोसे और कुछ ढाकला जैसा कुछ था। तो मैं जस्ट कस्टमर के घर पहुंचा क्योंकि ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो सिर्फ 5 मिनट लेट हो गया, मेरे को मैसेज आया कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। तो बाहर जाके मैंने कस्टमर को फ़ोन किया कि प्लीज़ सर मेरा पार्सल ले लीजिए, क्योंकि आज सर मैंने 20 रुपये ही कमाया है और 300 रुपये का ऑर्डर ही हम कहाँ से भरेंगे। लेकिन सर वो कस्टमर, जब उनके हस्बैंड और वाइफ में दोनों लोग थे घर पे, तो उनके हस्बैंड कहने लगे कि क्या है 300 रुपये दे दो बेचारा, 5 मिनट लेट ही सही, लेकिन आया तो। लेकिन वाइफ नहीं मानी,
तो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद में खुश हो गया, मैंने जाके रूम पे आराम से दबा के 10 समोसे खाए और क्या नाम है ब्रदर आपका? सर मेरा नाम राम है और मैं उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिले से रहने वाला हूँ। सर राम है आपका नाम? यस सर। अच्छा, पर आप बड़े मजेदार हैं यार। पर एक्चुअली हमारी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है कि जब छोटी छोटी गलतियां भी अगर कुछ हो जाए किसी मजबूरी में, तब भी कई बार लोग नहीं समझते हैं। पर बहुत बहुत अच्छा लगा राम आपसे मिलकर, शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल सर। हेलो। हाय एवरीवन। सर मेरा नाम निखिल है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, हेलो रायपुर। बस सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं आपको और मैम को इस मूवी बनाने के लिए। इस मूवी के कारण सब डिलीवरी बॉय अपने जितने भी हैं उसको समझ में आएंगे, लोग भी समझेंगे और हमें पहचानेंगे, हमारे काम को अहमियत देंगे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। नंदिता मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे इस फिल्म का एक हिस्सा बनाया। और शहाना थैंक यू सो मच, आप जैसे एक्टर के साथ काम करके मेरी भी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो गई। और जैसे जयदीप पहलावत हमारे शो पे आए तो वो बोल रहे थे, कहते यार जब मैंने ना पुलिस वाले का किरदार निभाया ना, जब छोटी छोटी डिटेलिंग में गए हम लोग, तब जाके पता चला कि यार ये करेक्टर में वो किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। मैंने भी जब ये किरदार किया और शूट करके घर पे आ गया तो हमारे अर्जुन भैया हैं कुक हमारे, उनका बर्थडे था तो किन्हीं ने केक ऑर्डर किया, तो बाहर डिलीवरी बॉय आया तो हुआ क्या, केक पलट गया उसका, मतलब तो सारी क्रीम व्रीम जो भी लिखा हो, तो वो बेचारा बोलता कि मैं वापस जाता हूँ मैम, 15 मिनट में वापस आपको केक लेके आता हूँ। तो गिन्नी आई बोलती ऐसे ऐसे बोल रहे हो, तो मैं भाग के गया बाहर, अभी वो लिफ्ट की वेट ही कर रहा था, मैंने रोका, मैंने कहा यार केक हमने काट के खाना है ना, आप जाओगे लेके आओगे। शायद ये मैं चीज ना समझता पहले, लेकिन फिल्म करने के बाद लगा कि नहीं यार ये मतलब इन लोगों के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो प्रोडक्ट कहीं से लेके कहीं आपको देना, आपको वो डिलीवरी के पैसे मिलने हैं। सो मुझे लगा कि यार ये वापस जाएगा, इसको डांट पड़ेगी या हो सकता है इसको अपनी जेब से ना देना पड़े, तो हम लोग कभी कभी थैंकलेस हो जाते हैं। सो एक थैंक यू कहना जरूर सीख लें मुस्कुराहट के साथ। मैं नहीं कहता हूँ कि आप उनको टिप दें या एक्स्ट्रा पैसे दें, अगर आप मुस्कुरा के थैंक यू भी बोल देंगे तो शायद वो खुश हो जाएगा और घर अपने, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। सो एक बार जोरदार तालियां नंदिता मैम के लिए। अरे एक बार जोरदार तालियां कपिल, शहाना और सभी के लिए। थैंक यू सो मच नंदिता मैम। आइए शहाना, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।